गीडा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ नौसड़ चौराहे पर पैदल गश्त किया गया। इस दौरान गीडा थाना प्रभारी ने दुकानदारों और आम जनमानस से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। वहीं बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को बिना मास्क लगाए हुए वाहन चला रहे चालकों के चालान काटने के साथ ही उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस जैसे महामारी बढ़ती ही जा रही, उसके क्रम में शासन प्रशासन काफ़ी चुस्त दुरुस्त हो गया है और इसके क्रम में वाहनों की चेकिंग और जो कुछ शासन से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके क्रम में जो मास्क बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं और जो दो पहिया वाहन पे डबल सवारी पे चल रहे हैं और मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उसके क्रम में गहन अभियान चला करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में डेली सुबह और शाम को चेकिंग अभियान लगाया गया है। तो इस दौरान लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं क्या? हाँ, उसमें एक मुकदमे भी पंजीकृत हो किए जा रहे हैं और जो जुर्माना भी उनको काटा जा रहा है जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ जागरूकता अभियान हम लोग पैदल गश्त करके जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं जिससे पब्लिक जागरूक हो और इसका सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, ये सब पालन करें जिससे कि इस महामारी से निजात पाया जा सके।